विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां जिला प्रशासन सगले विश्वविद्यालय का आदेश जारी की सी। अब सगले विश्वविद्यालय में लड़कन का मास्क और हेलमेट लगाई के जाए पड़ी, तब लड़कन का महाविद्यालय में प्रवेश दिन जाई। अपने बच्चे को बताए दी कि TRS कॉलेज के प्राचार्य मीडिया का जानकारी दी कि बताएं कि कॉलेज के अंदर जौन छात्र हेलमेट और मास्क लगाए के आई ही उन्हीं का कॉलेज में प्रवेश दीन जाई। आई देखी थे कुछ झलकियां और सुनाई थे TRS कॉलेज के प्राचार्य अर्पिता अवस्थी मीडिया का बताई ही। ये जिला प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें छात्रों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने की सलाह दी गई है। सभी छात्र जो हैं मास्क लगाने के लिए उन्हें कहा गया है, और साथ ही यातायात सप्ताह के दौरान ही सारे लोगों को बताया गया था कि हेलमेट लगाकर ही आना है सबको, और हेलमेट से उनकी खुद की सुरक्षा होती है। ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये अपनी सुरक्षा के लिए है, और छात्रों को भी हम यही कहते हैं कि सभी हेलमेट लगाकर ही आएं। छात्र हों चाहे यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक हों या कर्मचारी हैं, सभी हेलमेट लगाकर ही कॉलेज में आएं। तो छात्र आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। हाँ, तो उनको इसलिए रोका जा रहा है कि भाई आप हेलमेट लगा करके आइए। जब तक उनको थोड़ा सा इस तरह से रोका नहीं जाता है, तब तक वो हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं और नियमों का पालन नहीं करते। तो उनको इस चीज़ को कि वो नियमों का पालन करें और हेलमेट लगा कर तभी प्रवेश अंदर करें। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रीवा जिला के प्रभारी प्रताप भानु शर्मा रीवा पहुंचे हैं। यह दौरान होटल सेलिब्रेशन में पत्रकार वार्ता के आयोजन केनगा। इस दौरान प्रभारी कहिन के भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, जेमा शहर से लई के गांव तक के समस्यान का इकट्ठा करके मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखा जाए। महंगाई में प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साध के कहा गया है कि हर जरूरी वस्तु के रेट दुगुना कर दिन गया है। आई सुनी थे आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रताप भानु शर्मा कौन मेर के सत्ता पक्ष का आड़े हाथ नहीं है, और आवे वाले चुनाव और यात्रा का लय के का जानकारी दी नहीं। जो चर्चा हेतु आमंत्रित किया हमने, मुख्य रूप से तीन चार बिंदु ऐसे थे जिन पर आपका ध्यान आकर्षित करना और वो जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा आज की पत्रकार वार्ता का लक्ष्य है। पहला तो जिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिले में जिला समन्वय समिति का गठन किया है, पदेन हैं अधिकतर उसके पदाधिकारी। 30 सदस्यीय कमेटी है जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, नवनिर्वाचित मेयर, सभी हमारे प्रभारी सह प्रभारी, पूर्व विधायक जिन्होंने विधायक प्रत्याशी रहे, और जो मोर्चा संगठन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अध्यक्षगण हैं, उन सबको अभी पदेन रखा है। और उसमें मुख्य रूप से इसी बात का ध्यान दिया है कि जिले की जो संगठन से संबंधित गतिविधियां हैं वो सभी संगठन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रकोष्ठों और सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडलम और सेक्टर कमेटियों के बीच में तालमेल बना रहे, और उन जो कमेटी से सुझाव प्राप्त हों उनको हम जिले में क्रियान्वयन करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति जिला संगठन में जो करी है, जिला संगठन मंत्री के रूप में भाई रवि तिवारी जी को, जो आपके परिचित चेहरे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, इन्हें जिले के संगठन की जवाबदारी दी है संगठन मंत्री बनाकर। ये सभी कांग्रेस संगठन शहर, ग्रामीण, प्रकोष्ठ, फ्रंटल, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इन सब में समन्वय स्थापित करके किस तरह से हम मंडलम, सेक्टर और पोलिंग बूथ तक हमारे संगठन को चुस्त, दुरुस्त और सक्रिय कर सकेंगे, इसमें इनकी बड़ी अहम भूमिका रहेगी।
तीसरा जो मुख्य मुद्दा आज के सभा का हमारा है वो है AICC ने जो प्रोग्राम दिया है अगले दो महीने का, 26 जनवरी से वो शुरू होगा, जिसके बारे में संजय कपूर जी ने 20 दिसंबर को यहाँ बैठक का आयोजन किया था और काफ़ी विस्तार से रूपरेखा उन्होंने दी थी और आपने भी बड़े उसे विस्तार से अखबारों ने खूब छापा था, सबसे चर्चा करके पूरे ज़िले का दो महीने का कार्यक्रम बनाया है दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने और हम सब के से आज विस्तार से उस बारे में चर्चा होगी, इसका रास्ता खोज रहे। ये हम लोगों की समझ से परे है कि नौजवानों से इनकी दुश्मनी, किसानों से इनकी दुश्मनी और आम जनता के प्रति कुर्सी की चिंता है, कैसे कुर्सी मिले। जिस सरकार को जनता ने नकार दिया था 2018 में 165 सीटों से लाकर 106 सीटों पर कर दिया था, पीछे के दरवाजे से सौदेबाजी से वो सरकार बना ली। ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लेकर जाएंगे, और भी कई बातें हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा वो गांव में इस बात को भी देखेगा कि गांव के गरीबों तक जो योजनाएं हैं, आवास योजना है, किसानों के खाते में पैसे पहुंचने की योजना है, सड़कों के निर्माण की योजना है, हमारे लोगों को रोजगार देने की मनरेगा की योजना है, हमारे लोगों को खाद्यान्न देने की योजना है और पोषण आहार योजना है, इनमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। माने जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी उसमें रीवा का नाम सबसे आगे, 110 करोड़ की भ्रष्टाचार में, भ्रष्ट योजनाओं में। रीवा में कोई अधिकारी ये देखने के लायक है भी कि नहीं है, कोई अंकुश रह गया कि नहीं रह गया है, रजिस्टर बदला रहे हैं रातों रात, नए रजिस्टर तैयार हो रहे हैं रिकॉर्ड के, ये हमें जानकारी है। अब इस पर कॉग्निजेंस राज्य सरकार को लेना चाहिए और हम आज भले ही विपक्ष में हों परंतु हम लोगों की चौकस निगाह है और संगठन के माध्यम से हम इस बात का प्रयास करेंगे कि इन सब योजनाओं का एक वस्तु स्थिति पदयात्रा के दौरान हम लोगों को गांव से मिले। खबर रीवा से है जहां कोरोना का लेके प्रशासन अलर्ट हो गया है। बताए दी के तैयारी के जायजा ले के खातिर मॉक ड्रिल के आयोजन कीनगा। सवेरे 11:30 बजे जिला के कलेक्टर और SP के द्वारा अचानक बिना बताए एक मॉक ड्रिल कोविड के तैयारी के समीक्षा के संबंध में कीन गए, जिमा संजय गांधी अस्पताल में मरीज का आगे भेज के स्वयं कलेक्टर और SP पहुंचे। आई देखी थे मॉक ड्रिल के झलकियां, सुनाई थे कलेक्टर मनोज पुष्प तैयारी का लेके का कहा थे। आज देश भर में सभी जगह कोरोना को लेकर के मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें हम लोगों ने भी जिला अस्पताल का और संजय गांधी हॉस्पिटल में जो कोरोना की व्यवस्थाएं हैं उसकी समीक्षा की है। सभी चीज़ें सुचारू रूप से कर दिया गया है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, जो ऑक्सीजन एडेड बेड्स हैं उनकी पूरी अवेलेबिलिटी है और जिस तरह की व्यवस्थाएँ बनानी चाहिए वो सारी बन रही है। लोगों से अपील ये है कि आप कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाएं तो सावधानी रखें और कोई भी अगर इस तरह के सिम्टम वाले लोग दिखते हैं तो उनका इलाज ज़रूर कराएं। अभी किसी भी तरह के कोई घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी रीवा ज़िले में कोई भी कोरोना का मरीज़ नहीं है, लेकिन एहतियातन ये व्यवस्थाएँ देखी जा रही है ताकि अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती हो तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार रहें। मॉक ड्रिल भी की गई थी, मॉक ड्रिल ही की गई है सभी जगह पर। कौन से वाले में सर, कौन से वाले में, किस वाले पे? जिला में हो रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लेके कलेक्टर मनोज पुष्प अपन कड़े तेवर दिखाए, जहां 3 कर्मचारी का सस्पेंड कर दीन गा, वहीं 1 के सेवा समाप्त कर दीन गई। कलेक्टर मनोज पुष्प बताएं कि किसानन के विगत 3 साल के सगली समस्या का हल कर दीन गा है और उनकर कोशिश ही कि खरीदी होए के बाद जल्द इन समितियन के उनकर कमीशन के भुगतान कर दीन जाए। आई अपना पंचन का सुनाई थे कलेक्टर मनोज पुष्प का और की जाए वाली कार्यवाही के साथ भुगतान कले के का कहें। धान उपार्जन का काम 124 सेंटर्स पे चल रहा है और 2,500 मैट्रिक टन के आसपास धान का उपार्जन भी हो गया है। हम लोग लगातार किसानों के खाते में पैसा आ जाए इसके अभी प्रयास कर रहे हैं। लगभग 150 करोड़ के आसपास राशि किसानों के खाते में भी आ गई है और हमारी कोशिश ये है कि हमारा धान का जो उपार्जन हो उसमें एक तो क्वालिटी मेंटेन हो,
एक्चुअल जो किसान हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स इसके लिए लिंक किए गए हैं उस पर, और जो अच्छी क्वालिटी के धान हैं वही लिए जाएं, ताकि वही धान फिर रोटेट होकर पीडीएस में चावल के रूप में वितरित होता है, और प्रत्येक दिन जो उपार्जन हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, एक्सेप्टेंस किया जाए, और जल्दी से जल्दी जो किसान हैं उनके खाते में वो राशि आ जाए, और बाद में फिर हम जो उपार्जन करने वाली समितियाँ हैं और जो गोदाम हैं उनके कमीशन उनके खाते में डालें, ताकि व्यवस्थित रूप से ये इशू उपार्जन के पीरियड में ही ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों के जो इशूज़ थे वो सारे रिजॉल्व कर दिए हैं, और इस बार भी हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 150 करोड़ के आसपास राशि किसानों के खाते में आ गई है, और शेष राशि भी उपार्जन ख़त्म होने के 1 सप्ताह के भीतर उनके खाते में आ जाएगी, ये हमारी कोशिश है। जो बाहर के सेंटर्स हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर पहले भी शिकायतें रही हैं, इस बार हम लोगों ने वहाँ पे बेहतर व्यवस्था लगाने की कोशिश की है। जो अधिकारी लगाए गए हैं निरीक्षण करने के लिए या सर्वेयर के रूप में लगाए गए हैं, उनको लगातार रोटेट भी कर रहे हैं, और इसके बाद भी जहाँ कोई लापरवाही की या ऐसी सहभागिता की शिकायतें मिल रही हैं, हम वहाँ पर सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो ऐसा धान है जो उपार्जन के योग्य नहीं है, या जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसानों का धान नहीं है, या रीवा ज़िले में उपार्जित किसान नहीं का धान नहीं है, तो उनको हम जब्त भी कर रहे हैं, उनको अलग भी कर रहे हैं, और जिन अधिकारियों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई है जो गंभीरता से अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। खबर रीवा से ही, जहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा कीन के सफल ऑपरेशन और अच्छाइन के अपना पंचन खबर देखत और सुनत रही थे, लेकिन यह अस्पताल से ऐसन खबर आवत लागी जौन दिल का झकझोर दे वाली ही। बताए दी कि एक ठे मरीज का 24 दिसंबर का सीना में दर्द के कारण भर्ती खातिर लावा गया रहा, लेकिन इहन के डॉक्टर ईसीजी कराए के वही छुट्टी दे दी। लेकिन जब मरीज का फिर 26 तारीख का सीना में दर्द भा तो ओका फिर घर वाले अस्पताल लेके पहुंचे, तो इहन के डॉक्टर मानसिक वार्ड में भर्ती कराए के बात कही, जहाँ से मानसिक वार्ड के डॉक्टर देख के मानसिक बीमारी ना होए के बात कह दीन और मरीज का घर भेज दीन का। एक बाद मरीज के हालत बिगड़त गए, तपरजन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लेके फिर पहुंचे, जहाँ फिर ईसीजी भय और कौनो तकलीफ ना होए के बात कही गए और संजय गांधी अस्पताल रेफर कह दीन का, जहाँ युवक के मृत्यु हो गए। ये अपना पंचन का सुनाई थे मृतक के घर वाले और कौन मेर के गंभीर आरोप लगावल ना है। क्या घटना हुई है? घटना हुई है उनको ये पेशेंट ज़्यादा ही तकलीफ में थी, उनको हार्ट में दिक्कत था, दर्द हो रहा था, जिस कारण से हम 24 तारीख को उनको लाए, हमें दिखाए, ईसीजी करवाए और उनको ट्रीटमेंट कुछ दिए, विजय त्रिपाठी साहब को दिखाए, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दिए। इसके बाद मैं पुनः दोबारा इनको 26 तारीख को लाया, जो कि उनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सीने में दर्द हो रही थी, उनको मैं दोबारा लाया कल देके। इसके बाद कुछ एक गोली तक एक टैबलेट तक नहीं दिए और बोले तो आप ले जाओ संजय गांधी में दिखाओ। मैं ले गया संजय गांधी में, वहाँ दिखाए, वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह किए। इसके बाद हमको वहाँ से भेज के मरीज को भेज दिए मानसिक रोग में दिखाने। मरीज को मानसिक रोग की कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, इससे हम उनको वहाँ भी दिखवाए, वो दिखाए रात को कल 10-11 बजे रात हमको वहाँ छोड़ दिए, बोले कि आप जाओ ये ठीक है, इनको मानसिक कोई तकलीफ नहीं है। पूरी गलती जो है पूरी गलती यहाँ से हुई है। ये लोग डॉक्टर लोग जो हैं ये जो प्राइवेट क्लिनिक में देखते हैं तो ये मरीज को ढंग से देखते हैं पैसे के कारण, और यहाँ जो शासन से पैसा ले रहे हैं तो इसका कोई भरपाई नहीं कर रहे, एक भी मरीज को ढंग से नहीं देखते हैं, सिर्फ चल दिए थोड़ा देखे दूरी से, किसी मरीज को टच नहीं करते हैं कि मरीज को टच कर लें और टच करने के बाद उसका देख लें। इनके स्टाफ के हों डॉक्टर के रिलेशन के हों तो ये पूरा अपना जी जान लगा देते हैं उसको पूरी तरह से देखने के लिए, हाँ पूरा स्टाफ लग जाता है। मरीज को कब भर्ती किए थे? क्या मरीज को कब भर्ती किए थे? मरीज को हम 24 तारीख को लाए तब भी भर्ती नहीं किए, फिर कल लाए फिर भी भर्ती नहीं किए, बस क्या करवाते हैं ईसीजी की जांच, ये लगातार ये देखिए ये लगातार ये ईसीजी की भर्ती जांच करवा रहे हैं, करवाएं। अब आज मरीज खत्म हो गए तो बोल दिए कि अब मेरी क्या गलती है। क्या नाम है जो मृतक है इनका? क्या नाम है? अनीता तिवारी नाम है इनका। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? ये जावा की है। आज खातिर इतने, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।